युवा कांग्रेस ने जीत लिया लाखों युवाओं का साथ। जश्न में डूबे कांग्रेस के कार्यकर्ता। युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मनीष ठाकुर के आम आदमी पार्टी में जाने के बाद युवा कांग्रेस अपने संगठन को एकजुट करने में जुट गया है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लावरू बुधवार को शिमला पहुंचे और कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में प्रदेश युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कृष्णा अल्लावरू ने युवा कांग्रेस को एकजुटता का पाठ पढ़ाया और एकजुट होकर नगर निगम चुनाव और आगामी समय में होने वाले विधानसभा चुनावों में कार्य करने के निर्देश दिए। शिमला पहुंचे राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा ने कहा कि शिमला नगर निगम चुनाव और विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर बैठक में चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही बूथ स्तर तक युवा कांग्रेस की टीमें कितनी सक्रिय हैं और क्या क्या कार्यक्रम अभी किए जा रहे हैं, इसका फीडबैक लिया जा रहा है। साथ ही आगामी रणनीति तैयार की जा रही है। विधानसभा चुनावों को लेकर युवा कांग्रेस को जमीनी स्तर पर कार्य करने और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों में युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों के लिए टिकट की पैरवी भी की जाएगी, जिनकी जनता के बीच काफी अच्छी पकड़ है और जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिन्हें जनता पसंद करती है, उनके लिए टिकट की लड़ाई लड़ी जाएगी। वहीं हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मनीष ठाकुर के आम आदमी पार्टी में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि राजनीति में आना जाना चला रहता है, प्रदेश में युवा कांग्रेस एकजुट है और संगठित रहे, इसके हमेशा से प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी युवा कांग्रेस से निकले पदाधिकारी हैं, उन्हें प्रदेश कार्यकारिणी में जगह मिले, इसके लिए भी प्रदेश कांग्रेस से बात की जाएगी। शहीदी दिवस पर कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में युवा कांग्रेस द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लावरू शहीद कांग्रेस के पदाधिकारियों ने रक्तदान किया और भगत सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।